हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। बात करेंगे टॉपिक जो चल रहा है TYPAF वाले बच्चे आप लोग का सेम 6 का ये टॉपिक है, एमकॉम वाले बच्चे आप लोग का सेम 1 का टॉपिक है बजटरी कंट्रोल, और उसमें टॉपिक चल रहा है फ्लेक्सिबल बजट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, मींस बैफ वाले बच्चों के लिए एंड एमकॉम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 1 से 2 एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाता है, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे बात करूं, ये क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रख रहा हूं थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही डिफरेंट किया है उन्होंने, क्या डिफरेंट किया, और काफी बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं इसके, मतलब उनको कॉन्सेप्ट प्रॉपर नहीं समझ में आता क्वेश्चन में क्या है, मतलब जो एडजस्टमेंट दिया है किस तरीके से हमको करना है। क्लियर, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं कोई, और कुछ चीजें मैं पहले से लिख के रखा हूं ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी छोटी हो जाए, और ये जो गिवन में है ये तो ऑलरेडी हमारा टेबल में दिया रहता है तो इसमें बच्चों को तो डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी एक्सप्लेन करेंगे कहां से लिखा गया। चलिए क्वेश्चन पहले साइड हो जाता है, थोड़ा सा स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखना चाहिए, और सॉरी क्वेश्चन की बात करूं मेंशन कर दूं आप लोगों का, एमकॉम वाले बच्चों को पूछा गया था अक्टूबर 2016 का क्वेश्चन है। सॉरी, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। एबी लिमिटेड इज करेंटली ऑपरेटिंग एट 75% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसिंग 75,000 यूनिट्स। इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे बोला गया, बोल रहे कि जो है 75% कैपेसिटी है और आपका यूनिट भी कितना है सर, 75,000। क्लियर है, 75,000। तो मैं आपसे पूछू, देखो पहले चलो आगे रीड करते हैं उसके बाद की बात करते हैं। इन द पास्ट 2 ईयर्स लेवल ऑफ ऑपरेशन वॉज 55 and 65 रिस्पेक्टिवली। बोला जो लास्ट 2 साल उसके पीछे भी आप जा रहे हो ना, तो कितने का था सर, 55% and 65% का डिटेल था हमको। द कंपनी इज प्लानिंग फॉर 85% कैपेसिटी लेवल ड्यूरिंग 17-18। द कॉस्ट डिटेल्स आर एज फॉलोज। मैंने आपको पहले बताया था कहानी, इन्होंने क्या किया सर, 55, 65, 75 का डिटेल्स आपको दिया है। बोले भाई कि नेक्स्ट ईयर प्लान कर रही कंपनी कि 85% कैपेसिटी का, तो आपको इसी का डिटेल निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा। और उसके बाद आपको क्या क्या दिया है ध्यान से देख लो, डायरेक्ट मटेरियल दिया है तो मैंने वहां पे लिखा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है तो सर लेबर लिख दिया। नेक्स्ट हमारा सर फैक्ट्री ओवरहेड्स है तो ओवरहेड्स लिखा। बच्चों को डाउट आएगा कि ये कहां से आ रहा है सर, फिक्स्ड एंड वेरिएबल इसमें कहां से आ रहे हैं। अभी चलो फिक्स्ड एंड वेरिएबल आपको नहीं सोचना, पहले आप देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स आया है। नेक्स्ट मैं बात करूं सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स आपको दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा सर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिख रहा है, यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है सर। चलिए आगे का डिटेल पढ़ रहे सर, प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट द रेट 20% ऑन सेल। बोला सेल का 20% हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट दिया नहीं है और ना ही सेल हमको दिया है, सिर्फ ये बोला है 20%, वो भी 20% किसका सर, हमारा सेल का, सेल्स का 20%। कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन करेंगे हम लोग आगे का। चलिए आगे डिटेल्स और पढ़ते हैं क्या बोला गया। फॉलोइंग इंक्रीज इन कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 2017 and 18। अब वहां पे एक नया चीज ऐड कर दिया आपसे, अभी तक जितने सब आपने प्रैक्टिस किए वहां पे इंक्रीमेंट नाम की कोई चीज दिया नहीं था एक्स्ट्रा, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई का गेम देखा था अगर याद होगा तो आपको, बट यहाँ पे क्लियर मेंशन कर रहे भाई कितने की इंक्रीमेंट है वहां पे। मटेरियल बोल रहे कि 8%, मतलब जो आप 85% कैपेसिटी का डिटेल बनाओगे इसमें इंक्रीमेंट की बात कर रहे हो, ध्यान रखना ये 3 में नहीं, जो न्यू बनाने वाले उसमें इंक्रीज की बात हो रही है। बोले मटेरियल को 8% बढ़ा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेबर 5% सर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब यहां पे ध्यान रखो यही क्लियर हो गया कि ये हमने वेरिएबल एंड फिक्स क्यों रखा है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला सर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स में सर वेरिएबल भी है फिक्स्ड भी है, आगे फिक्स्ड भी मेंशन करेंगे, एंड वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, इट मींस सेलिंग ओवरहेड्स में सर हमारा वेरिएबल भी है फिक्स्ड भी है, दोनों मिक्स है वहां। क्लियर, आई होप बच्चों का क्लियर कॉन्सेप्ट है। चलिए अब बच्चों के माइंड में एक और डाउट आएगा, मुझे पता है कि क्या क्या डाउट उनके माइंड में आ सकते हैं। अब उनका डाउट यह है सर कि आपने इसमें वेरिएबल कॉस्ट को एंड फिक्स्ड कॉस्ट को डिफरेंट नहीं रखा है तो इसका क्या लॉजिक है, आप कर भी सकते हो, ध्यान रखना आपने अगर सेपरेट किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, कर दो
सेपरेट कर दो, वेरिएबल ये ले जाके यहाँ पे रख दो, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, एंड फिक्स्ड हमारे से एक साथ रख दो, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेम उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो ऐसा कैसा मीन्स मेंशन नहीं कर रहे ना, मेंशन नहीं कर रहे ना, अदर जो आपने स्टार्टिंग के सम्स देखा होगा हैशटैग टू थर्ड देखा होगा तो वहां पे क्लियर मेंशन रहता था भाई वेरिएबल इतना है आपका, सेमी वेरिएबल इतना है, फिक्स्ड इतना है, बट इसमें मेंशन नहीं, इसमें तो हम लोगों ने नीचे से जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन था वहां का डिटेल्स पढ़ के समझा है। चलिए आगे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, जैसा मैंने बताया फैक्ट्री ओवरहेड हमारे में उसमें फिक्स्ड भी है, ठीक है सर, एंड फिक्स सेलिंग ओवरहेड से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10%, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर द ईयर पीरियड 2017-18 एट 85% लेवल ऑफ कैपेसिटी एंड ऑल्सो अ सर्टेन प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट भी बताओ कितना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए पहले यहाँ के डिटेल्स की बात कर लेते हैं, यहाँ के डिटेल्स की बात कर ले और क्या प्रॉब्लम आएगा वो भी देख ले। चलिए 75% के लिए 75,000 यूनिट्स, मैं आपसे पूछूं 65 के लिए कितना, ये कोई भी बच्चा बता देगा कि 65,000 यूनिट्स, एंड ये 55,000 यूनिट्स, यूनिट्स लिख देना, तो ये भी आपका 85,000 यूनिट्स, ये तो बहुत सिंपल था, अदरवाइज तो आप क्रॉस भी करके निकाल सकते थे ना, 75 का 75 तो 65 का कितना क्रॉस, तो यहां पे क्रॉस की जरूरत क्यों है भाई, सिंपल सा दिया है तो लिख सकते हो, क्लियर है क्या, क्लियर, वर्किंग में दिखाना है तो क्रॉस करके इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो सबका, यहां प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आगे थोड़ी सी आने वाली, क्या देखो यहाँ पे मटेरियल सर, तो मटेरियल्स का डिटेल में कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप इतने जैसा बोला वैसा कॉपी कर दिया, ठीक है 13। नेक्स्ट में आपसे अगर पूछ रहा हूं तो कितना सर 15, इसमें तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो हमने गिवन से ही कॉपी कर लिया है। आगे अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट लेबर का कितना है सर, डायरेक्ट लेबर की जब बात करता हूं 550 650 550 650, नेक्स्ट जब मैं बात करूंगा सर 750, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, प्रॉब्लम यहां है सर कि फैक्ट्री ओवरहेड में हमारा फिक्स्ड कितना वेरिएबल कितना है ऐसा तो मेंशन ही नहीं है, कुछ बच्चों को समझ गया सर मेंशन नहीं है, कुछ बच्चों को ये समझा नहीं सर मेंशन है, जब आपने नीचे लाइन पढ़ा था वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 5% का इंक्रीमेंट, ये तो इसका डिटेल है, मैं पूछ रहा हूं इसका डिटेल पहले मेंशन है क्या, वो तो इंक्रीमेंट का डिटेल है भाई, वो 5% ऐसा थोड़ी बोलो, वो तो इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी 85% वाले में ना, पहले तो आप इसकी बात कर लो, ये तो सिर्फ आपको टोटल पता है भाई, टोटल हमारा इतना है, बट उसमें हमारा फिक्स्ड कितना वेरिएबल कितना वो नहीं पता है, और यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको दिया है, जो जिन बच्चों को यहाँ पे कैलकुलेशंस आएगा करने तो कर लेंगे, नहीं तो सबके लिए प्रॉब्लम है, आगे का कुछ नंबर मिलने वाला नहीं है, यही दो चीज हमारी इंपॉर्टेंट है। सेलिंग में भी आपका साथ यही होना है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल आपको पता नहीं है, लेकिन हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पता है सर हमको कितना 160 160 160, ये तो हमारा फिक्स्ड है, ये तो हमारा सर फिक्स्ड है, ध्यान से देख लो, प्रॉब्लम है सर यहां पे, ये दो में प्रॉब्लम दिख रही है, प्रॉब्लम यहां दो में दिख रही है, तो क्या करेंगे क्या करेंगे, चलिए एक टेबल ऐड करता हूं मैं, एक छोटा सा टेबल आपको ऐड करना है, किसका सर पर यूनिट का, और 85 में भी एक छोटा सा टेबल आप ऐड कर लो, क्योंकि इसका पर यूनिट डिफरेंट है ना, इसमें तो इंक्रीमेंट की बात किया है तो इसका पर यूनिट डिफरेंट रहेगा, क्लियर है क्या, मैं आपसे अगर पूछूं तो क्लियर है क्या। चलो कैलसी उठा लो, पहले जितना हम लोगों ने फाइंड आउट किया पहले इसकी बात कर लेते हैं, एटलीस्ट मतलब कुछ कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चों को नहीं आ रहा तो पहले कुछ नंबर तो मिले सर, तो पहले जितना नंबर मैक्सिमम मिल सकता है देख लेते हैं, मैंने बोला 11 लाख डिवाइड बाई 55,000 कर दो इसका यूनिट आ जाएगा, कैलसी उठा लो कैलसी उठा लो कैलसी उठाओ और मुझे यूनिट बताओ कितना आया, 20 आना चाहिए हर एक बच्चे का, ध्यान से देख लो, नहीं समझा जिनको तो 11,000 यूनिट्स यूनिट्स बोलो सॉरी रुपीस डिवाइड बाय यूनिट्स करते हैं, रुपीस डिवाइड बाय यूनिट्स करो सेम आएगा, रुपीस डिवाइड बाय यूनिट्स करो सेम आना चाहिए, क्योंकि याद होगा बच्चे को तो वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट हमारी सेम होती है, मैंने बार बार बोला था स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं, वेरिएबल में हमारा पर यूनिट सेम होता है, किसी से भी डिवाइड करके देख लो 20 ही आना चाहिए 85 को छोड़ के,
इसमें तो इंक्रीमेंट की बात करते हैं, तो उनको साइड रखो आप। चलिए इसकी बात कर लो भाई, डिवाइड करो डिवाइड करो डिवाइड करो, 10 आ गया सर, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमारा, इसमें किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। हो गया, दो चीजें हमारी हो गई क्या सर? बिल्कुल। मैंने आपसे अब पूछा पहले 85, देखो पहले जो डिटेल्स हमको इजी लग रहा है पहले उसको फिलअप करो आप। मैंने बोला कि डायरेक्ट मटेरियल में कोई इंक्रीमेंट बोला है क्या वहां पे, तो नीचे की लाइन फिर से पढ़ते हो, डायरेक्ट मटेरियल में सर 8% का इंक्रीमेंट। कैल्सी ले लो, कैल्सी लो आप 20+, कैल्सी पे देखो 20+8% कर दो, 20+8% कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा सर 21.6 आना चाहिए, 21.6 पर यूनिट। आई होप समझा मैंने क्या बोला, इंक्रीमेंट की बात किया था सर, तो ये 20 है, तो पर ध्यान रखना वेरिएबल कॉस्ट में, ध्यान से सुन लो, वेरिएबल कॉस्ट में आपका पर यूनिट में इंक्रीमेंट करना है, एंड जब फिक्स कॉस्ट की हमारी बात आएगी तो उसके अमाउंट में इंक्रीमेंट आपको करना है। आई होप हर एक बच्चे को समझा मैंने क्या बोला है, स्टार्टिंग से जो बोलते आ रहा हूं, वेरिएबल में पर यूनिट में चेंज होता है, फिक्स्ड कॉस्ट की जो हमारी बात आती है तो उसमें अमाउंट में चेंजेस आता है। सेकंड क्या है सर, लेबर में भी 5% का इंक्रीमेंट, तो डायरेक्ट लेबर 10+5% किया तो सर आ रहा है 10.5 आ गया पर यूनिट, आ गया क्या? बिल्कुल सर आ गया। तो मैंने बोला आपसे यूनिट्स पता है, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई 21.6 मल्टीप्लाई 85,000 किया तो आंसर आ रहा है सर 1836। कैल्सी साथ में लेके बैठा करो आप लोग, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम है सर, बच्चों की नहीं प्रॉब्लम हमारी है, कैल्सी नहीं है, और मैं डायरेक्टली यहां से देख के लिखता हूं, तो वहां पे कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती है, इसलिए कैल्सी आप लोग लेके बैठा करोगे तो आपको एक परफेक्ट आइडिया मिलेगा सम्स क्या चल रहा है हमारे। नेक्स्ट आगे की बात करो सर, मल्टीप्लाई 892,500 आ रहा है आपका, 892,500 है। इसमें किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, एक डिटेल सर यहाँ पे भी है, इसका भी इसकी भी बातें कर लेते हैं। ये आपका फिक्स्ड है, ध्यान रखना फिक्स्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में क्या बोला था, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन शो करते हुए चलता हूं, आपको 10% क्लियर बोला है, तो ध्यान रखना ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड में मैंने आपसे क्या बताया था, अमाउंट में सीधा ले लेना आप, तो अमाउंट तो सेम दिख रहा है सर 160 160 160, तो 160+10% आप कर दो, जो आएगा आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा 176। आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा, कैल्सी से आप लोग मैच करते हुए भी चलो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा सर। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। चलिए अब जो मेन कहानी इनकी बची थी सर वेरिएबल का, ध्यान से देख लो आप, अगर मुझे सर वेरिएबल का ये पर यूनिट पता चल जाए तो कहानी थोड़ी सी इजी बन जाएगी, यही पता चल जाए तो कहानी इजी हो जाएगी। तो सर इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है पहले मैं बात कर लूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या सर? फैक्ट्री ओवरहेड्स, ध्यान रखना ऐसे सम्स आते हैं तो प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए। क्या फाइंड आउट करना है सर हमको? पर यूनिट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको? पर यूनिट। क्या फाइंड आउट करना है सर? पर यूनिट। तो आपका फॉर्मूला बनेगा सर चेंजेस इन फैक्ट्री, चेंजेस इन फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड बाई चेंजेस इन यूनिट, चेंजेस इन यूनिट्स। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कब आपको? जब आपको पर यूनिट फाइंड आउट करना है। तो कैसे सर? चलिए बात कर लेते हैं, किसी भी दो ईयर का आप कंपेयर कर लो। चलो मैं इसका 75-65 का कंपेयर करता हूं आपका। चलो कैल्सी ले लो आप, कैल्सी लो। अगर मैं बात करूं आपसे फैक्ट्री, स्क्रीन पे क्वेश्चन भी ऐड करता चलता हूं ताकि एक आइडिया आपको। चलो 350 है, 330 है, तो मैं लिख देता हूं सर 350 माइनस 330 अपॉन में, ध्यान से देखना कौन से ईयर का मैंने लिया, 75 या 65 का ले रहा हूं मैं, तो 350 माइनस 330। और यूनिट्स की बात करता हूं तो सर यूनिट्स तो आपको सामने ही दिख रहे हैं, 75 माइनस 65। चलिए माइनस किया तो सर ये हमारा हो गया 20 और ये हो गया आपका 10,000, डिवाइड किया तो ₹2 आ गया, डिवाइड किया तो कितना आ रहा है सर ₹2 आ रहा है। आई होप बच्चों को समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, किसका निकाला आपने फाइंड आउट किया सर? फैक्ट्री का, ये आपका 2 आ गया। और यही मेन इंपॉर्टेंट कहानी है भाई, जब आपको वेरिएबल, ध्यान रखना वेरिएबल का पर यूनिट फाइंड आउट करना रहेगा तो फॉर्मूला याद रख लो,
क्लियर है सर? चलो फैक्ट्री का आपने अगर फाइंड आउट कर लिया तो सेलिंग का भी हो जाएगा आपसे, बट वर्किंग तो बनाना पड़ेगा इसको आपका। सेलिंग ओवरहेड्स की जब मैं बात करता हूं, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या लिखोगे? चेंजेस इन सेलिंग ओवरहेड्स डिवाइड बाय चेंजेस इन यूनिट, डिवाइड बाय चेंजेस इन यूनिट्स। किसी भी ईयर का ले सकते हो, किसी भी दो ईयर का आप ले लो, दो ईयर ईयर तो नहीं मेंशन है, मैं इस परसेंटेज का ले लो। चलिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, 65-55 का ले लेता हूँ। अगर मैं पूछूँ सेलिंग ओवरहेड्स आपका कितना है, तो सर 360-320 है। कितना है? 360-320 माइनस करो आप, 360 माइनस 320। और जब मैं यूनिट्स की बात करता हूँ दोनों का, 65-55, तो सर 65,000 माइनस 55,000, 360 में से 320 माइनस किया तो कितना मिलता है सर आपको? 40,000 डिवाइड बाय ये माइनस किया तो सर 10, इट मींस आपका ये 4 आ गया, तो ये कितना है आपका? 4 आ गया। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए आगे, इंपॉर्टेंट कहानी हो गई भाई, ये आ गया तो आगे की कहानी बहुत सिंपल सी हो गई। सर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो यहां पे वेरिएबल कितना मिला सर, 2, कैलसी उठा लू, 55,000 मल्टीप्लाई 2 कर दो। यूनिट्स कितना है? यूनिट इतना है, मल्टीप्लाई पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा, और आपका जो आंसर आएगा सर कितना? 110 आ रहा है। 65 मल्टीप्लाई 2 करना है सर 130 आएगा आपका, 75 2 करना है सर 150 आएगा आपका। इसमें अभी कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना इसमें इंक्रीमेंट की बात हुआ है तो उसको अभी साइड रखो आप। चलो इसकी बात पहले 4 वाले की कर लेते हैं सर, 55 मल्टीप्लाई 4 करना है सर 220 हो जाएगा, 260 हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। किसी बच्चों को यहां तक कोई डाउट कंफ्यूजन है क्या सर? नहीं सर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं। मैंने बोला अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना था, टोटल कितना था भाई आपका, टोटल कितना था सर फैक्ट्री? 310 में से ना वेरिएबल पता चल गया 110, माइनस करो साइड करो सर कितना बचा, तो अब कोई भी बच्चा बता देगा सर 2 बचा है। इजी है कॉन्सेप्ट, और ये 2 है तो बाकी का भी 2 ही होगा, बाकी का भी 2 होगा। चलिए समझा, नहीं तो माइनस करके आप देख लो। ध्यान रखना 65 की जब मैं बात करता हूं आपसे, अगर मैं पूछूं फैक्ट्री कितना सर, 330 में से 130 माइनस करूंगा तो 2 बचेगा, और नहीं तो ऐसे भी पता होना चाहिए, फिक्स्ड हमारे फिक्स्ड होते हैं। सेकंड आपको सेम सिमिलर ऐसा करना सेलिंग का भी, सेलिंग का 220 टोटल कितना है सर? अगर मैं आपसे पूछूं सेलिंग का 320 में से 220 माइनस किया सर 1, और ये 1 है तो आगे सोचो मत आप, 1 ही आएगा। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट यहां तक। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपसे, और क्या डिटेल्स हमको है सर? ये कॉन्सेप्ट हमारे हो गए सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टोटल तो कर सकते हो, टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो भाई, सबका प्लस कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। प्लस अगर मैं सबका करूंगा सर, प्लस करूंगा तो यहां पे प्लस करके मेंशन नहीं है, ये आप लोगों का अब काम हो गया, ये प्लस करके आप लोगों का काम हो गया, प्रॉफिट भी निकालना आपका काम हो गया सर। सेल्स तो पूछा नहीं है, प्रॉफिट ही पूछा है, और प्रॉफिट ध्यान रखना है इस ईयर का पूछा है, तो यहां पे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप टोटल कॉस्ट निकाल के बस वहीं पे स्टॉप, क्योंकि प्रॉफिट आपका सिर्फ इस ईयर मीन 85% वाले का ही मेंशन करना है। चलिए 85% की कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं सर। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला है? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का बोला सर 10% का इंक्रीमेंट आपका हो रहा है, तो 10 फिक्स्ड में बोला है सर 2 का 10% कर दूंगा, 220 आ जाएगा, इजी है। चलो फिक्स्ड पहले कर लो, क्योंकि फिक्स्ड में मैंने क्या बोला, अमाउंट में प्लस करना आपको, मतलब 2 लाख प्लस 10% कर दो, सीधा आंसर मिल गया। चलो सेलिंग में भी फिक्स्ड का क्या बोला वो भी पढ़ लेते हैं। फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स बोला सर 15%, तो आपका क्या करना है सर 1 लाख आपका दिख रहा है ना, प्लस 15% कर देना है सर 1
115 आ जाएगा, कैलसी पे करके देख लेना। अब जो हमारे दो रिमेनिंग बच गए ना, इसमें पर यूनिट में चेंज आएगा, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या बोले सर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स बोले सर 5% का इंक्रीमेंट आपका होगा, तो 2+5% आप कर दो, 2+5% किया तो सर हमारा आंसर आ रहा है 2.1। क्लियर है, वेरिएबल में पर यूनिट में करना है, फिक्स्ड में आपको अमाउंट में करना है। चलो नेक्स्ट आपका वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स में क्या बोला है सर, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स की बात करते हो सर 8%, तो 4+8% आप करो, 4+8% मैं करता हूं सर 4.32 आ रहा है, 4.32 कैलसी उठाओ, 2.1 मल्टीप्लाई 85,000 यूनिट्स करना है, कितना आएगा सर, कितना आएगा 178,500। सेकेंड 85,000 मल्टीप्लाई 4.32 करना है, आपका जो फाइनल आंसर आएगा सर 367,200। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए इसका सब प्लस करो, आपका टोटल कॉस्ट आएगा सर 37,85,200। क्लियर है क्या, आई होप हर एक बच्चे को समझ में यहां तक आया है। अब जो थोड़ी सी एक छोटी सी प्रॉब्लम है वो आगे की है, जो उन्होंने बोला सर प्रॉफिट भी आप फाइंड आउट कर दो, प्रॉफिट कितना है। अब प्रॉफिट के लिए सिर्फ एक हिंट आपको दिया है सर, एक हिंट आपको मिला है, प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट द रेट 20% ऑन सेल, बोला जो प्रॉफिट है आपका, कैलसी उठा लो, कैलसी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहां पे मेरे पास कैलसी नहीं है, बोला जा रहा है कि प्रॉफिट आपका सेल का 20% है, बट सर हमको सेल तो पता ही नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं सेल कितना है तो सेल पता नहीं है, तो इसको चलो इसको आप लेट करो भाई 100%, कितना लेट करना है आपको 100%, क्योंकि सेल हमेशा 100% होता है। अब ध्यान से देखो इसका एक छोटा सा क्रॉस करना है आपको, कैसे, इसका मतलब कॉस्ट आपका 80%, ध्यान से देख लो आप, इसका मतलब कॉस्ट आपका 80 हो गया ना, टोटल कॉस्ट इसका मतलब कितना हो गया आपका 80, क्योंकि 80 प्लस 20 करोगे तभी तो 100 आएगा भाई, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करोगे तभी तो सेल आएगा, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि आपका ये जो है 80% है, कितना है 80%, 80% कितना सर, 80% सर 37,85,200। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 20% कितना, 20% कितना क्रॉस करो, या फिर 100% कितना, 100% करोगे तो आपको सीधा सेल मिल जाएगा, 20% आप करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और जो प्रॉफिट आपका आ रहा है सर 946,300 क्रॉस करके इस तरीके से फाइंड आउट कर लेना है, और दोनों का प्लस कर दो सेल्स आ जाएगा 47,31,500। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां पे टोटल कॉस्ट आप कर सकते हो सर, प्रॉफिट मत निकालना यहां पे, क्योंकि प्रॉफिट उन्होंने सिर्फ 85% का पूछा है, जो न्यू बनाने के लिए आपको दिया ना उसी का पूछा गया आपका, मतलब वही बनाने के लिए बोला गया है। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, यही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, और ये सब भी इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा क्योंकि डिफरेंट है, बाकी सब से डिफरेंट है, बाकी सब में तो चलो आपको डिटेल्स मेंशन होते हैं, आपको सिर्फ क्रॉस करना था, अभी तक आपने हैशटैग 5 तक देखा था, बट ये सब में नया कॉन्सेप्ट आया है कि जहां पे हमको सिर्फ फाइंड आउट करना पड़ता है यूनिट्स, वेरिएबल का यूनिट्स, तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करना है जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके, बैफ बीकॉम बीबीआई जितने भी हमारे कोर्स है कॉमर्स वाले सबको चैनल का लिंक शेयर करते रहना, ताकि उन बच्चों को भी इस चैनल के थ्रू मैथ्स एंड अकाउंट्स का कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।